हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है लाइफ टेक एंड लाइफस्टाइल। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ होम लाइफस्टाइल से जुड़ा एक ऐसा प्रोडक्ट जो आपके किचन को कंप्लीट करने के साथ साथ बहुत ही अट्रैक्टिव लुक देता है। यह है हिंदवेयर कंपनी की चिमनी जो बहुत ही अट्रैक्टिव लुक में। अब साथ में वीडियो में आगे अपन जानेंगे इसके क्या क्या बेनिफिट है और मैं दूंगा इसका पूरा डिटेल वीडियो और साथ में इंस्टॉलेशन वीडियो भी, जिसमें आपको स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊंगा कि कैसे इसको इंस्टॉल किया जाता है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मैं और बहुत सारे वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। बढ़ते हैं आगे। सो गाइस, जैसा कि आप सबसे पहले देख सकते हो बॉक्स के ऊपर इसकी सारी डिटेल लिखी हुई है। यह है ऑटो क्लींस, इसका साइज है 60 सेंटीमीटर, जैसा कि आप एमआरपी देख सकते हो। लेकिन इसकी एमआरपी जो लगभग अभी है करंटली 18,000 रुपये के आसपास। तो अब करते हैं जल्दी से इसको अनबॉक्सिंग। तो इसको ओपन बॉक्स को करते ही सबसे पहले आपको दिखेगा इसके साथ एक प्लास्टिक का पाइप आता है जो कि अब यूज़फुल इतना होता नहीं है। मैं सजेस्ट करूँगा कि आपको अलग से जो पीवीसी पाइप आते हैं वो यूज़ करनी चाहिए, उसकी मतलब ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक चलने के लिए, क्योंकि ये जो प्लास्टिक के पाइप साथ में आते हैं बहुत ही कमज़ोर होते हैं। और आप देख सकते हो इसके साथ ये अपने को वारंटी कार्ड और इंस्टॉलेशन गाइड वगैरह मिल जाता है। और इसको साइड में रख देते हैं। पाइप का भी आपको मैं दिखा देता हूँ, इतना कुछ मतलब मटीरियल खास नहीं है, ऐसे ही फॉर्मेलिटी के लिए कंपनी साथ में देती है। बट आपको अगर स्ट्रांगली कुछ चाहिए तो आपको यह है रेड्यूसर भी अपने पास, और इसके साथ ही आप देख सकते हो ये है इसका स्टैंड जो कि आपको मैं दिखा देता हूँ। इसके ऊपर हैंग होगी चिमनी और इसको भी साइड में रखते हैं। और अब आपको मैं प्रोडक्ट की ओर लेके जाता हूँ। जैसे कि आप इसका लुक देख सकते हो ऊपर से, अब इसको जल्दी से बाहर निकालते हैं। कैसे इसको बाहर निकालना है वो भी आप सीख लीजिए, क्योंकि इसका जो मटेरियल है ऊपर से ग्लास का है, तो कैसे अपने को निकालना है वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ। बहुत ही आराम से, बहुत ही ध्यान रखें इसको निकालने से पहले, और सारे मतलब बिल वगैरह उसका ले लीजिए। और वैसे इसकी 15 साल की वारंटी है, मतलब लाइफ टाइम बोलते हैं, लेकिन टर्म्स एंड कंडीशन होती है कुछ अंदर कंप्रेसर की वगैरह की जो भी है, फ़ैन की और होती है बस इतना कुछ, बाकी तो नो डाउट हिंदवेयर कंपनी बहुत ट्रस्टेड कंपनी है। और अब आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि आप इसका लुक देख रहे हैं, इसको निकाल चुके हैं। और इसके ऊपर ये आपको मैं दिखा देता हूँ, ये ऑटो क्लीन के लिए आपकी वो एक बकेट बास्केट भी बोल सकते हैं, मिनी बास्केट जो कि ऑटो क्लीन के लिए इसके साथ आती है, जो इसके नीचे लगेगी वो भी मैं आपको दिखा दूँगा। पहले इसको जल्दी से ओपन कर लेते हैं। और जैसे कि आप इसका देख सकते हो, एक्सेल साइड इसका लेफ्ट साइड है। और जैसे कि आप पीछे इसका लुक इसका देख सकते हो। मोस्टली बहुत से कम वीडियो होते हैं चिमनी के जो बहुत डिटेल से वीडियो देते हैं इसका इंस्टॉलेशन का, या तो मुझे लगा कि आपके लिए वीडियो बनाना चाहिए। तो बहुत से लोगों को ये होता है कि कैसे कौन सी यूज़ करनी चाहिए, हमें कौन सी लानी चाहिए, तो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। ये एक प्रोडक्ट है जो 60 सेंटीमीटर का और हिंदवेयर कंपनी का है, तो बहुत ही अच्छा है। अगर आपको लॉन्ग टाइम तक मतलब बेस्ट प्रोडक्ट चाहिए और बहुत ही किफ़ायती रेंज में चाहिए, तो ये नो डाउट आप आँख बंद करके ले लीजिए। बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, इसमें इतने ज़्यादा इश्यू भी नहीं देखने को मिलते हैं। बाकी और बहुत से जैसे बोलते हैं ना कि डीप साइलेंट आते हैं या, पर ऐसा होता नहीं है। उसमें थोड़ी बहुत आवाज़ होगी क्योंकि फ़ैन चलेगा तो आवाज़ आएगी, तभी वो बाहर आपको एक्सेल कर पाएगा। जैसे कि आपके अगर पहले से पाइप डला हुआ है 4 इंची का, तो उसमें आप रेड्यूसर लगा सकते हो। तो जैसे कि अब आपको दिखा देता हूँ जल्दी से स्टेप बाय स्टेप कैसे इसको इंस्टॉलेशन किया जाता है। और हाँ गाइस, छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि जब भी आप किचन में ड्रिल मशीन का यूज़ करें या कोई भी आपका मैकेनिक यूज़ कर रहा है, तो आप ये बहुत ही ध्यान से रखें कि कोई भी आपके पीछे पाइपलाइन जो कि बहुत सिंक के लिए पाइपलाइन होती है, या फिर बिजली के वायर के पाइप्स होते हैं या वायर होती है, तो ध्यान रखिए कहाँ पर वायर है। आपको जब घर बनता है तब आपको ध्यान होना चाहिए कि कहाँ पर, वरना बहुत सी प्रॉब्लम्स आ सकती है लीकेज की, या कोई भी मतलब वाटर पाइप में अगर छेद हो गया तो उसमें भी लीकेज का प्रॉब्लम हो जाता है, तो फिर पूरा पाइप चेंज करवाना या वॉल को तोड़ना पड़ता है, तो बहुत से इशू होते हैं, पता नहीं चलता। तो अब जैसे कि आप सभी देख सकते हो, मैंने भी पीवीसी पाइप यूज़ किया है, पहले से ही लगा रखा था वॉल के अंदर ताकि बाद में ओपनली नहीं देना पड़े, क्योंकि मोस्टली अभी
कोई भी लगाता है तो वो अंदर ही पहले से लगा। तो ध्यान रखिएगा आपको कितने सेंटीमीटर की चिमनी चाहिए और कितना कि कौन से हिस्से में लगाना है, तो वो भी आपको खास ख्याल रख के पहले से ही डिस्कस कर लेना चाहिए। और आप कंपनी में भी कांटेक्ट कर सकते हो, कंपनी वाले आपसे 150 रुपये या कुछ भी 200-250 रुपये लेंगे पहले से, वो आपके बाद में माइनस हो जाएगा, तो वो आके आपके पाइप डाल के इंस्टॉलेशन करके चले जाएंगे, और बाद में जब आप बुलाओगे तो वो चिमनी लगाने आ जाएंगे, उसमें आपके माइनस हो जाएंगे। सो गाइस, ये थी डिटेल वीडियो, और जैसे कि आप देख सकते हो मोशन सेंसर चिमनी है, इसमें ऑटो क्लीन का है, और इसमें लाइटिंग भी दी हुई है, एलईडी लाइट दी हुई है, अगर नाइट में आपकी लाइट चली जाए आप इन्वर्टर से भी इसको यूज़ कर सकते हो। और इसमें फ़ैन की स्पीड ही है, 1, 2, 3 मोड पे भी है, और इसमें आप देख सकते हो उसका लुक वाइज बहुत ही अच्छी है, ग्लास फिनिशिंग दी हुई है। सो गाइस, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर। जय हिंद।